उस जजीरे को मैं किसी हुसैन कहा जा रहा हूँ। वाह 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 कुफ यफार शिर्क गुमराही हलाकत जैसी बड़ी बीमारियों में मुबतला बशरियत को जिस शिफा खाने से शिफा नसीब हो उस शिफा खाने को मैं किसी हुसैन कहा जाता हूँ। वाह वाह आलम हमारी इस छोटी सी अजा को बारगाह सैयदा में शरफ कबूलियत अदा फरमाए बारियान मजलिस की तौफीकात में बानी मजलिस जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इजाफा फरमाए। जो भी इस बख्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा है परवरदिगारे आलम शहज़ादी कौलैन के लाल के सदके में उन्हें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन भलाइयां दुआ कबूलियत तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद का ले बुलंद आवाज दे सूरा की तेहरामी आयत के तिलावत का शरफ हासिल किया गया है जिसमें परवरदिगार आलम मुखातिब है अपने हबीब से और ऐलान कर रहा है कि शरह लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही मिन रब्बुक हमने तुम्हारे लिए शरीयत और दीन के उसी रास्ते का इंतखाब किया है हमने तुम्हारे लिए शरीयत और दीन के उसी रास्ते को चुना है जिसकी वसीयत हम दूर से कर चुके हैं। पता ये चला कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है इस्लाम जनाब नूह से चला आ रहा है। खबरदार को ये ना कहें कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है इस्लाम जनाब नूह से और जनाब नूह के बाद 35,000 साल तक कोई साहिब शरीयत कभी नहीं आया है। अंबिया आते रहे नूह की शरीयत को ही कंटिन्यू करते रहे शरीयत नहीं आई। नूह के 35,000 साल के बाद जनाब इब्राहिम दूसरी शरीयत ये शरीयत नूह से जनाब इब्राहिम जनाब इब्राहिम से जनाब मूसा से जनाब ईसा और जनाब ईसा से सरकार खत्मी वतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ाद मोहतरम बस मुख्तसर जिक्र ये करना है पहले साहिब शरीयत नबी है नूह ये नाम नूह क्यों पड़ा कुरान में अल्लाह ने नूह को अस्सलाम वाला नूह फिल आलमीन कह के सलाम भेजा है कि नूह सलाम उस पर जिसे हमने आलमीन के लिए नूह बनाकर भेजा। इनका नाम है अब्दुल रफ्फार या अब्दुल रज्जाक नूह कहते कुरान में अल्लाह ने सलाम किया है नूह पढ़ा क्यों नाम उम्मत जब इनके ऊपर मजालिम किया करती थी इनको पत्थरें मारा करती थी जब तबलीग किया करते थे तो उम्मत ने पत्थर मारा करती थी ये उम्मत के मजालिम का नौहा पढ़ते थे पूरी तवज्जो जाने मुहतरम ये उम्मत के मजालिम का नौहा पढ़ा करते थे नौहा पढ़ने से नाम पड़ गया है नूह। नौहा पढ़ने से नाम पड़ गया नूह और अल्लाह ने कुरान में कहा कि सलाम है उस पर जिसे हमने आलमीन के लिए नूह बनाया नाम अब्दुल गफ्फार अब्दुल रज्जाक तो पता ये चला नूह नौहा पढ़ना किसी पागल दीवानी कौम का काम नहीं है जनाब नूह की सुन्नत का नाम है। जनाब नूह से चली और एक चीज तय समझ गई शरीयत अल्लाह ने मासूम के जरिए भेजी किसी गुनहगार के जरिए नहीं ये सिर्फ मजलिस हुसैन का सबका है जहां से हम शरीयत भी समझाते हैं हम दीन भी समझाते हैं हम करबला भी बताते हैं हम जुल्म भी बताते हैं हम सब भी पढ़ते हैं सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया खिताबत की बुजुर्ग तरीन हस्ती अल्लामा ज़ीशान अल-जवादी मरहूम अल्लाह मकामा का जुमला है कि जिन मुल्कों में हुसैन का नाम लिया जाता है वहाँ आपको इंसानियत मिलेगी बशरियत मिलेगी हयात इंसानी को इज्जत मिलेगी और जहाँ हुसैन का नाम नहीं लिया जाता जिन मुल्कों में हुसैन की मजलिसें नहीं बरपा होती उन मुल्कों में आपको मुल्कियत तो मिलेगी सल्तनत तो मिलेगी बादशाहत तो मिलेगी काट खाने वाले लोग तो मिलेंगे
लेकिन हयात इंसानी को इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि हुसैन नाम है कामयाबी का, हुसैन नाम है कामरानी का, हुसैन नाम है रिश्ते हुए नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बराही मुआशरे की तकमील और तश्कील का सलवात भेजने वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले साहब शरीयत नबी नूह, शरीयत हुकूमत की मोहताज नहीं है, शरीयत हुकूमत की मोहताज नहीं है। अगर हुकूमत की मोहताज होती शरीयत, तो लोग सजा के लेके आए थे मौलाए कायनात के पास। मौलाए कायनात ने कहा था, ले जाओ अपनी इस हुकूमत को, मेरी निगाह में तुम्हारी ये हुकूमत एक ऊंट के नाक से बहते हुए गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं। मैं तलाक देता हूँ तुम्हारी दुनिया को। शरीयत फिर सच धज के हजरत मुस्तफा के पास आई, ये हुकूमत फिर सच धज के हजरत मुस्तफा के पास आएगी। जुमला सुने सरकार का, सरकार सबसे तबाह ने कहा जिसे बाप तलाक दे दे वो पेटों पे हराम हुआ करती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शरीयत हुकूमत की मोहताज नहीं है। शरीयत अगर हुकूमत की मोहताज होती तो फिरौन तख्त पर बैठ कर लानती न होता, मूसा जंगलों में नबी होता। शरीयत अगर हुकूमत की मोहताज होती तो अजीज मिस्र तख्त पर बैठ कर लानती न होता, यूसुफ कैदखाने में नबी न होता। शरीयत हुकूमत की मोहताज नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, 23 साल की जाहिर तबलीग में इस्लाम किरदार मुस्तफा से इखलाक पैगंबर से सारे अरब में फैल गया। 900 साल हुकूमत रही हिंदुस्तान में, यहां क्यों नहीं फैल सका? 23 साल की तबलीग में, जाहिरी तबलीग में इस्लाम इखलाक पैगंबर से किरदार मुस्तफा से पूरे अरब में फैल गया। 900 साल की हुकूमत हिंदुस्तान में, यहां क्यों नहीं फैल सका? जुमला आपके बेहतरीन सवातों की नजर कर रहा हूं, जो फैल गई वो शरीयत थी, जो न फैल सकी वो हुकूमत थी। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो फैल गई वो शरीयत थी, जो न फैल सकी वो हुकूमत थी। तुमने इस्लाम का हीरो बादशाहों को बनाया है। लोग सोशल मीडिया पे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर तुमने अखलाक पैगंबर दिखाया होता, तुमने दीन के उस इस्लाम के दामन पे, पाकीजा दामन पे, ये जो दहशत गर्दी के बदनुमा धब्बे लगाए जा रहे हैं, अगर इन्हें साफ करना है तो आले मोहम्मद वाला इस्लाम पेश करो। वाह 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 वाह, बादशाहों वाला इस्लाम पेश मत करो। इन दो फिक्रों में पूरी तारीख है, पूरी तकरीर कुर्बान कर दूंगा 10-15 मिनट की। सिर्फ इन दो फिक्रों को समझ लीजिए। आले मोहम्मद इसलिए जख्मी है कि उन्होंने इस्लाम पर होने वाला वार अपने ऊपर लिया है। वाह वाह। और इस्लाम इसलिए लहूलुहान है कि बादशाहों ने अपने ऊपर होने वाले हमले के सामने इस्लाम खड़ा कर दिया। वाह 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 वाह, जज़ाकअल्लाह भाई। 23 साल की जाहिरी तबलीग, इस्लाम पूरे अरब में फैल गया, सिर्फ किरदार पैगंबर इखलाक मुस्तफा से। मदीने में आए तो जाहिरी हुकूमत भी आ गई, मदीने में आए तो जाहिरी हुकूमत भी रसूल खुदा के पास आ गई थी। फिर वो शायर पकड़ा गया जो रसूल की शान में गुस्ताखिया किया करता था, सहाबा इकराम उसे पकड़ के ले आए, गोदियों में बांध के। पहली बार तो कोई बड़ा काम किया था, पकड़ के ले आए तो गोली पटक दी रसूल के सामने। या रसूल्लाह, वो शायर जो आपके खिलाफ गुस्ताखाना शेर कहा करता था, पकड़ लिया, बहुत मुश्किल से हाथ लगा, आज पकड़ ले आ गया। रसूल ने कहा इसकी गोली खोलो, गोली खोली दे दी, उसको निकाला गया। रसूल ने कहा इसकी जबान काट दो, नरस गई तारी। जो मक्के में पत्थर मारने वालों को दुआएं दिया करता था, कूड़ा फेंकने वालों की आयादत को जाया करता था, क्या कहने बाबा बाबा, उसे मदीने में हो क्या गया है? जबान काटने का हो कुछ सामना खड़े हुए रसुल्ला, कंजे निकाला है रसुल्ला, मैं काट देता हूँ। नहीं, आयना आयना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? अली रसुल्ला के उसकी जबान काट दो। अली उसको पकड़ के ले गए, मदीने से बाहर ले आए।
जब मदीने से बाहर पहुंचने लगे तो कंबल को आवाज थी, कंबल में ऊंट ले आना, खजूरें ले आना और पानी भी ले आना, और सुनो वहां पे 2000 दिरहम रखा है वो भी ले आना। हम बस पीछे पीछे साहब आए ग्राम पहुंचा, लगता है खिला पिला के बने। खजूर खिलाई, पानी पिलाया, 2000 दिरहम दिया, ऊंट दिया, और कहा मैं इन्हें देख लेता हूँ तू भाग जा, मैं इन्हें देख लेता हूँ तू भाग जा। वो भाग गया। वहां जो कुछ नहीं कहा क्योंकि अली के हाथ में तलवार थी। आए भाग के रसूल या रसूलल्लाह ये खत्म हो गया, आपने कहा था जबान काट दो, अली ने उसे खजूर खिलाया, पानी पिलाया, 2000 दिरहम दिया, अपना ऊंट भी दिया और कहा भाग जाओ। रसूल के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट जैसे पहले थी। अली मेरी बात समझ गए, अली मेरी बात समझ गए, कहा या रसूलल्लाह इसका कोई और तर्जुमा हो ही कैसे सकता है कि जबान काट दो उसे छोड़ दिया जाए, ये तर्जुमा कैसे होगा, जबान काट दो मतलब जबान काट दो, अगर तुम नहीं समझे। अली मेरी बात समझे, लोग चले गए। अगले दिन सुबह की नमाज में मस्जिद नबी में जब लोग दाखिल हुए, नमाज सुबह का वक्त हो रहा था, नमाज सुबह पढ़ने के बाद रसूल मस्जिद नबी में बैठे, सहाबा इकराम ने मंजर देखा कि वो रात वाला शायर जिसे अली ने छोड़ दिया था वो मस्जिद नबी के बाहर ऊंट बांध रहा है। वो ऊंट बांध रहा है, ऊंट बांधने के बाद वो सखों को चीरता हुआ रसूल खुदा, और आने के बाद रसूल खुदा के कदमों पे पैर रख कर कहता है या रसूल अल्लाह आपकी शान में नात लिख के लाया हूँ पढ़ू, आपकी शान में नात लिख के लाया हूँ, इजाजत हो तो पढ़ू। उन्होंने कहा इजाजत है, बस जैसे ही उसने नात पढ़ी अली ने नबी ने कहा अली ने गुस्ताखी वाली जबान काट दी, मिधक वाली जबान काट दी। सुभान अल्लाह जो कभी ईमान की निशानी हुआ करता था आज दहशतगर्दी की अलामत। वाह 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 क्या क्या जुमले हैं आपके, वाह आज दहशतगर्दी की अलामत बन गया, कभी ईमान की निशानी हुआ करता था। अरे जुमला कहा है, फिर जुमला दोहरा रहा कि बादशाहों वाला इस्लाम नहीं, अरे मोहम्मद वाला इस्लाम पेश करो, मजलूमों वाला इस्लाम पेश करो। इस्लाम के दामन से अगर दहशतगर्दी के बदनुमा धब्बे हटाने हैं, साफ करने हैं, तो आले मोहम्मद वाला इस्लाम पेश करो, इमामों वाला इस्लाम पेश करो। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का हीरो बना दिया। किया क्या था इसने, सिंध की एक औरत ने, मोहम्मद बिन कासिम सिंध की एक औरत ने खत लिखा मदद के लिए, वो अरब से आया था मदद करने सिंध की औरत को, सिंध की औरत की मदद को आया। ये क्यों नहीं बताते कि सादात का ताकुब करता हुआ आया था, जहां था वहां सैयदों को दीवारों में चुनवा रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी इसको हीरो बना दिया। क्या किया था इसने, सोमनाथ के बुत तोड़े थे, वजह नहीं बताएंगे। अरे बुत इसलिए तोड़े थे कि सोना था उसमें, अगर बुत शिकन होता तो पहले अपने शहर के तोड़ के आता। शिकन होता तो पहले अपने शहर के तोड़ के आता। ये मोहम्मद बिन कासिम का दीन नहीं है, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का दीन है। सलमान महमूद गजनवी का दीन नहीं है, ये महमूद के मोहम्मद का दीन है। सलमान भेजे पर मोहम्मद शरीयत, हुकूमत की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जिन मासूमों के हाथ शरीयत भेजी है उनका प्रोटोकॉल दे रखा है कुरान में, उन्हें तख्त ताज बादशाही हुकूमत इसकी जरूरत नहीं है। जब कहा ना कि इन्नी जायलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हम जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाले हैं, मैं कहूंगा पाए लाहा ये जब जमीन पर जाएंगे तो न तख्त होगा न ताज होगा न बादशाहियत होगी न हुकूमत होगी न हटो बचो के नारे लगाने वाले लोग होंगे। वाह 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 ये खिलाफत करेंगे किस पे, अल्लाह ने कहा कुरान पढ़, हमने
नोटिफिकेशन दे रखा है, जब मैं इसे सजा दूं इसे सवार दूं, तवज्जो, जब मैं इसे सजा दूं इसे सवार दूं, आए अर्श की नूरी असेंबली में रहने वाली मेरी तमाम मासूम का बीना तुम सब के सब सजदे में चले। सुभान अल्लाह, बाबा बाबा, भाई फरिश्तों को झुकाया है। क्या कहने बाबा बाबा बाबा, फरिश्तों को झुकाया है। ये है अल्लाह के बनाए हुए खलीफा के प्रोटोकॉल का नोटिफिकेशन कि फरिश्ते झुकेंगे, बादस पैगंबर, तख्त ताज हुकूमत बादशाहियत, हटो बचो के नारे किसके पास है ये मत देखना, ये देखना कि फरिश्ते कहाँ झुक रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह भाई। सारियां पे बढ़कर आवाज दी, हता का हदीसा सैफ इब्राहिम मेरे हबीब, आपके पास इब्राहिम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है। वाह, अजीब आया थे, बस चल जुड़े हो, अजीब है मेरे हबीब के आपके पास इब्राहिम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है। एक दो तीन जुमले जहन में रखना, कुरान की आयत है, मेहमान है, सादे और आम मेहमान नहीं है, कुरान कह रहा है इज्जत वाले मेहमान है, कोई जनरल मेहमान नहीं आया है इब्राहिम के दरवाजे पर। और मेहमान किसका है? जिसने कभी तनहा खाना नहीं खाया है, जो रोटी खिलाने में मशहूर है, वाह, खलीलुर रहमान, खलील खुदा, वाह, जनाब इब्राहिम। इज्जत वाले मेहमान इब्राहिम के दरवाजे पर आए तो इब्राहिम ने दुम्बा या मेंढा ज़िबा किया, उसकी रान को भूना और उनके सामने रख दिया। वाह, जैसे ही वो दस्तरखान उनके सामने चुना गया, अब जो आने वाले लोग थे जिन्हें कुरान ने कहा इज्जत वाले मेहमान, उन्होंने कहा कि इब्राहिम आपको पता नहीं है कि हमें भूख नहीं लगती, पूरी तवज्जो जानिब होता। तफ़सीर कुरान के जुमले हैं, तफ़सीर कुरान के जुमले हैं कि जैसे ही वो दस्तरखान लाने इब्राहिम ने चुका, आने वाले मेहमान जो इज्जत वाले, जिन्हें कुरान ने इज्जत वाला कहा है, उन्होंने कहा कि इब्राहिम आपको पता नहीं है कि हमें भूख नहीं लगती। तो पता ये चला, ये जो आए थे ये मेहमान नहीं थे, ये फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह, भूख तो फरिश्तों को ही नहीं लगती, ये फरिश्ते थे। तो इब्राहिम से इन फरिश्तों का नूर पहचाना नहीं गया। कहने तो इस अंधी उम्मत से मोहम्मद वाले मोहम्मद नारा है दरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जत वाले मेहमान इब्राहिम के दरवाजे पर। एक दरवाजा और बताया, वहां भी आए हैं, वहां भी यही फरिश्ते आए हैं। क्या कहने बाबा, इब्राहिम के दरवाजे पर आए तो इज्जत वाले मेहमान, अब इस दरवाजे पर आए हैं वाह 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 वाह, क्या कहने, मिस्कीन हूँ, इब्राहिम के दरवाजे पर इज्जत वाले मेहमान, जहरा के दरवाजे पर फकीर हूँ, असीर हूँ, मिस्कीन हूँ। मिस्कीन का तर्जुमा तो पढ़ लीजिए, किसी बड़े से बड़े उलमा की लुगत की किताब उठाइए और मिस्कीन का जरा तर्जुमा तो देखिए। मुझे दो तर्जुमे याद है, बस वही दो तर्जुमे पढ़ रहा हूँ। मिस्कीन के दो तर्जुमे जो मिलते हैं वो जलील और मोहताज। तर्जुमे और भी है लेकिन मैं सिर्फ दो तर्जुमे ले रहा हूँ, जलील और मोहताज। इब्राहिम के दरवाजे पर इज्जत वाले मेहमान, जहरा के दरवाजे पर जलील हूँ, मोहताज हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद जिल फरज, सुभान अल्लाह, सुभान मोहताज हूँ। जहाँ फरिश्ते झुक रहे हैं, कॉल दिया हुआ है, नोटिफिकेशन मौजूद है, शरीयत की मासूम के हाथों में रहेगी। अजान मोहतरम, ये जो काली देख के शक किया जा रहा है ना, अगर इसपे शकी नहीं होता, अगर इस्लाम की शरीयत दीन उन्हीं मासूम कयादत उन्हीं मासूम हाथों में होती जिन मासूम हाथों में रसूल गदीर में देकर गए थे, सुभान अल्लाह, अच्छा ही कुछ और होता, बेशक बेशक, आज इस्लाम का मिजाज ही कुछ और होता, बेशक बेशक। बात गदीर
रसूल 70 दिन के बाद इस दुनिया से चले गए। अच्छा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कोई इलेक्शन हो जाए अभी इलेक्शन के बाद ये ट्रेंड है कि अक्सर आप चाय की दुकान में पान की दुकान में चौराहों पर खड़े रहेंगे, नहीं नहीं ये इलेक्शन साफ नहीं हुआ, ये इलेक्शन शफाफ नहीं है, इसमें गड़बड़ी होगी, इसमें धांधली होगी। वाह 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 क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह। इलेक्शन साफ नहीं था, इलेक्शन शफाफ नहीं था, इसमें धांधली हुई है, इसमें गड़बड़ी हुई है। तुझे 1400 साल बाद समझ में आ रहा है कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है, हम 1400 साल से चिल्लाते चले आ रहे कि बादे नबी इलेक्शन में धांधली हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं मासूम हाथों में होती, जिन मासूम हाथों में रसूल गदीर में लेके गए थे। क्या कहने हैं बाबा, इस्लाम का नक्शा ही कुछ और होता है, इस्लाम का मिजाज ही कुछ और होता है। अगर उम्मत बादे पैगंबर अली के आस्थाने पर जमा हो जाती, ये उम्मत 72-73 फिरकों में बढ़ती ना। उम्मत दिल्ली का डर छोड़ दिया, यही वजह है जब इस्लाम हमला होना शुरू हुआ, जो शरीयत के सही वो हाफिज थे, जो वारिसे शरीयत थे, अब जरूर वारिसा बोलिए उसमें है अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम खलीलल्लाह, आदम नबील्लाह, इब्राहिम खलीलल्लाह, ये सारे वारिस। यजीद ने ये नहीं कहा था 60 हिजरी में कि मैं सैयद दादा हूँ, यजीद ने नहीं कहा था कि मैं लायक बुरूज हूँ, यजीद ने ये नहीं कहा था कि मैं अहले बैत में से हूँ। सीधे सीधे यजीद का वो जुमला आज भी अरबी अदब की किताबों में मौजूद है। यजीद ने सीधे सीधे कहा था कोई नबी नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी, सिर्फ बनी हाशिम का धोम था जो इक्तदार पाने के लिए रचा गया। उम्मत खामोश हो सकती है लेकिन जो वारिस है शरीयत का मुताबिक, यजीद के जुल्म और जबर तशद्दुद के सीने पर अपने सर का गुजरा टेक दिया हुसैन इब्न अली, तुझे किसने बता दिया कि रसूल में कोई वारिस नहीं होता, तुझे किसने समझा दिया कि मेरा नाना लावारिस है। 28,000 संसार हिजरी को मदीना छोड़ दिया, 3 शाबान 60 हिजरी को मक्का पहुंचे, तारीख इस्लाम का वाहिद हाजी है हुसैन इब्न अली जो महीनों काबे की दीवार से टेप लगाकर बैठा रहा और ऐन हज के एक दिन पहले हज को उमरे में तब्दील करके ये कहता हुआ चला गया, परवरदिगार तेरे घर की हुरमत सलामत रहे, हुसैन जा रहा है खुदा। तो मुहर्रम को करबला पहुंचे, 3 मुहर्रम को नदिया के किनारे से धने हटाए गए, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, बंद नहीं हुआ था, खत्म तो 3 मुहर्रम ही को हो गया था जब नदिया के किनारे से, बंद तो 3 मुहर्रम ही को हो गया था जब नदिया के किनारे से धने हटाए गए, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया और 10 मुहर्रम को कयामत आ गई, शरीयत मोहम्मद ही बचने लगी, लुटने लगा फातिमा जहरा का घर। 9-10 घंटों सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक 9-10 घंटों के दरमियान फातिमा जहरा के घर से 72 मिरादें निकलते, नाना तेरा दीन बच जाए भले मेरा अकबर बचे या ना बचे, नाना तेरी शरीयत बच जाए चाहे मुझे अपने अब्बास के पास देना पड़े, नाना तेरी शरीयत बाकी है इसके लिए मुझे जैनब की चादर भी देनी पड़ेगी तुझे कराया है। हाँ दादारो ये वो तारीखें हैं, बस 2-3 जुमले इसलिए कि लाख नारे लगा लो, शाम वाली राजी नहीं होती जब तक की आंखों में दो बूंद आंसू ना आ जाए, वो आती ही आपका मसाइल सुनने के लिए, आपके आंखों का आंसू देखने के लिए। 11 मुहर्रम 67 हिजरी को ये काफिला शाम की मस्जिद में पहुंचा, ये तारीखें हैं जब काफिला मदीने की जानिब रवाना हुआ है। मदीने पहुंचने के
دو جملے اور آپ کی سہمت کرنا. جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا, زینب نے پہلی بار باہر سے مدینے کو دیکھا, کہا بیٹا سیدنا سجاد یہ مدینہ ہے؟ کہا بھی اما یہ مدینہ ہے. کہا بیٹا سیدنا سجاد پہلی بار باہر سے مدینہ دیکھ رہے ہیں. سجاد کہتے ہیں چھٹی اما گھر چلیں گی یا روضہ رسول پر؟ زینب کہتے ہیں بیٹا پہلے روضہ رسول پر لے چلیں. بشیر اعلان کرتا ہوا روضہ رسول پر پہنچا, یہ قافلہ روضہ رسول پر آ گیا. پھر صبرا کے کانوں میں آواز پہنچی کہ قافلہ آ گیا ہے مسجد نبوی. صبرا نے جلدی سے ایک چادر اٹھائی, جملہ سنیں گے آپ کو, صبرا نے ایک چادر اٹھائی, کنیزوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کنیزوں مجھے جھلمٹ پہ لے کے چلو, قافلہ واپس آ گیا ہے. کہا آپ کے گھر سے مسجد نبوی کتنی دور ہے جو اتنے پردے میں جا رہی ہیں؟ کہا کوئی اور کہے نہ کہے میرا چچا عباس دیکھے گا تو ناراض ہو جائے گا کہ صبرا بغیر پردے میں آئی. صبرا اس قافلے والوں کے پاس پہنچی, صبرا قریب آئی, سیدنا سجاد مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بغل میں باخر ہے, زینب مسجد نبوی کے اندر ہے. بس دو جملے ادا کرو. صبرا بغل سے نکلنے لگی, اس نے سیدنا سجاد کو پہچانا نہیں. صبرا جیسے ہی بغل سے گزری, باخر نے دامن پکڑ لیا. باخر نے کہا بھوکی اما. صبرا کہتی ہے کون ہوتا ہے بھوکی اما؟ میں تیرا باکر ہوں. یہ کون ہے؟ یہ تیرا بھائی سجاد ہے. سجاد نے سر جھکا لیا. صبرا بیٹھ کے سجاد کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گی, مجھے بس تمہیں بتا دے کہ میں نے جو مدینے سے تجھے بھیجا تھا تو 24 برس کا سجاد بھیجا تھا, واپس جو سجاد آیا ہے یہ 70 برس کا کیسے ہو گیا؟ سجاد تڑپ کر کہتے ہیں صبرا اچھا ہوا صبرا جو وطن میں ہی رہی تو, ارے مارے گئے ہیں محمد سے بھی گلرو, میدان میں کاٹے گئے عباس کے بازو. بس اتنا سننا تھا کہ صبرا کہتی ہے بھوکی اما کہاں ہے؟ سید سجاد کے طرف آخری جملہ ادا کرو. آپ کی سہمت تمام, اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے, آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے سید الشہدا کے غم کے. صبرا کہتی سجاد بھوکی اما کہاں ہے؟ بھوکی اما نانا روزے کے نانا کے روزے پر ہے. صبرا اندر داخل ہوئی. اب تو صبرا اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ زینب نے جو مرضیہ پڑھا ہے نا, ذریعہ مبارک پکڑ کے تین جملے سمجھ لیے. بہت لمبا پورا واقعہ سنایا ہے زینب نے, میں تین جملے اور میں چھوڑ رہا ہوں. زینب نے ذریعہ مبارک پکڑ کر کہا نانا زینب آ گئی ہے, زینب کا سلام. جملہ نانا افسوس تو اس بات کا ہے کہ زینب زندہ واپس آئی. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوا. ایک بتاؤ, یہ کہہ کے زینب نے ایوا کے دامن سے کرتا نکالا, روضہ رسول پر رکھا, قیامت آ گئی, مدینے میں زلزلہ آ گیا, روضہ رسول پر آواز آئی زینب یہ کرتا ہٹا لے. زینب تڑپ کر کہتی ہے نانا 2 سال کے بعد حسین کا خون بھرا کرتا برداشت نہیں کرتے, میں نے 70 قدم کے پاس لے پر بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا ہے. انہا لکھا ہے بینا لہرہ جو رزم بتدائی تسلیم اللہ.